जय भोलेनाथ दोस्तों, टाइम 8:44 हो चुकी है, 8:44 AM, 8:45 हो गई है। SGX निफ्टी कुछ 22 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। चलिए फटाफट मैं आज का आपको बोलता हूँ। रेड कलर देख के ऐसा मत सोचिए कि पूरा मार्केट रेड हो जाएगा। ये रेड कलर की टी शर्ट है, टी शर्ट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक ट्रैक है। थोड़ी ठंड आ गई ना सूरत में, तो रेड इसलिए बना कि रेड चाहिए अपने को मार्केट। तो दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो आज इम्पोर्टेंट एक ही है, आज माइनस तो होना चाहिए। एक तो किसी भी हालत में आज क्लोजिंग माइनस होनी चाहिए, तभी मंदी होगी, नहीं तो 2 दिन और तेज़ी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, कल का हाई आज टूटना नहीं चाहिए। कल का हाई 544 स्क्रीन पे अगर टूटता है तो इसका मतलब अगले 2 दिन हम सहित 17,800 की तरफ जाएंगे, 17,800 की तरफ जाएंगे अगर 544 टूटता है दिन में। वो तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो फ्लैट ही दिखा रहा है, 20 पॉइंट ही माइनस दिखा रहा है। मैंने तो सपना देखा था कि भाई सीधा 150 पॉइंट नीचे खोलेगा तो फ्राइडे सरप्राइज़ देगा। अब सरप्राइज हो सकता है ड्यूरिंग द डेट डे, तो बस इम्पॉर्टेंट रहता कि फ्राइडे फ्राइडे के दिन नया हाई नहीं बनना चाहिए, यानी कि 544 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। पहला पॉइंट, स्पॉट में अगर जाता है तो बस फिर मंदी का चांस एक बार 2 दिन के लिए और टल जाएगा, फिर 17,800 जाने के बाद 16,300 आएगा। तो ये भी आपको मैं एडवांस में बताता हूँ, 17,800 जाके फिर 16,300 आएगा, आएगा श्योर इसी महीने में, ये भी मेरा मानना है। लेकिन आज अगर कल का हाई नहीं टूटता तो बस स्टार्ट हो गई रैली, स्टार्ट हो गई समझ जाना 16,300 के लिए। और बस इतना ही बोलना है, ज़्यादा कुछ बोल के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज निगेटिव क्लोजिंग भी चाहिए हमको और कल का हाई भी नहीं टूटना चाहिए, इस पर ध्यान रखिएगा। टूटता है तो एक बार एक दो दिन के लिए आपको परेशान करेगा, ज़्यादा नहीं, 2 दिन के लिए, मंगलवार तक। फिर तो जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।